नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हार्ट अटैक से कई महीने पहले या कई हफ्ते पहले हमारा शरीर हमें संकेत देने लगता है कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम शरीर के इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। बस यही लापरवाही कुछ वक्त बाद हम पर भारी पड़ती है और हमें हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ता है। बता दें कि अटैक अचानक ही होता है, फिर चाहे वो हार्ट का हो या ब्रेन का। लेकिन कई महीने या कुछ हफ्तों पहले से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आने लगते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दखल डालते हैं। मेडिकल की भाषा में हार्ट अटैक को MI कहा जाता है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। चलने पर काम करते वक्त छाती में हेविनेस या भारीपन होता है जो काम बंद करने के बाद ठीक हो जाता है। ये एंजाइना पेन कहलाता है। ये दिल की बीमारी का एक सामान्य लक्षण होता है और ज्यादातर केसेस में देखने को भी मिलता है। सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है, जैसे आपको कुछ अचानक लगता है कि रोज तो आप 2 फ्लोर या लंबी दूरी चलकर ऑफिस जाते थे, लेकिन अभी तो 1 मंजिल उतरने या चढ़ते ही आपकी सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा लंबे वक्त से हो रहा है और आपकी हेल्थ में किसी और तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इस समस्या को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार लगता है कि खाने के बाद गले में जलन हो रही है, ऐसा दिन में जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद भी महसूस हो सकता है, जबकि खाना खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है। ये भी अचानक हार्ट अटैक का ही लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा सभी के साथ हो या फिर ये सिर्फ हार्ट अटैक का लक्षण ही हो, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन ये हार्ट अटैक के प्रेजेंटम्स में भी शामिल हो सकता है। पोस्ट पेंड्रियल एंजाइना सीने में उठने वाली उस तेज दर्द को कहते हैं जो खाना खाने के बाद उठता है, यानी खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत चलने लगते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। इस दौरान सीने में जलन के साथ ही तेज दर्द भी होता है। इस स्थिति में जब व्यक्ति रुकता है और आराम करता है तो ये दर्द ठीक हो जाता है। अगर ये स्थिति किसी के साथ लंबे वक्त से बनी हुई है तो ये भी हार्ट की बीमारी के ही लक्षण हो सकते हैं। हार्ट की तकलीफ से जुड़े कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इस कारण इन लक्षणों के आधार पर बिना जांच के ये समझ पाना मुश्किल होता है कि ये हार्ट अटैक का लक्षण है, क्योंकि ये लक्षण कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इनमें चक्कर और उल्टी आना या चक्कर के साथ उल्टी जैसा महसूस होना भी हार्ट की बीमारी के ही लक्षण हैं। हालांकि ये लक्षण पेट की बीमारी, ब्रेन से जुड़ी दिक्कत या शुगर कम होने पर भी महसूस हो सकती है। आमतौर पर खांसी को मौसम बदलने के दौरान होने वाली समस्या माना जाता है। इसके अतिरिक्त लंबे वक्त तक रहने वाली खांसी TB का लक्षण भी हो सकती है, लेकिन खांसी हार्ट की बीमारी का संकेत भी होती है। ये समस्या हर व्यक्ति में हार्ट की बीमारी के लक्षण के रूप में नजर आए, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है और हाथ पैर में सूजन आ जाने की समस्या बनी हुई है तो इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये हार्ट की बीमारी के साथ ही किसी अन्य गंभीर रोग का लक्षण भी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।